तोरे भैंसिया का हाल बा? ठीक बिया। कै किलो दूध दे रहल बिया? 10 किलो। घंटा। नमस्कार दोस्तों, हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं बनारस से, जो दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हम बिल्थरा रोड के लिए जाएंगे। बनारस को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी और भी बहुत कुछ कहा जाता है। बहुत ही प्यारा शहर है भाई। उसके बाद बनारस से पूर्वोत्तर में 10 किलोमीटर स्थित है सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। बस ये समझ लीजिए कि बुद्ध धर्म की शुरुआत सारनाथ से ही हुई थी। पहला प्रवचन यहीं से स्टार्ट, यहीं से स्थापना। उसके बाद स्टेशन आता है एक सादात, बहुत ही अच्छा छोटा सा स्टेशन है। पर सादात स्टेशन के बाहर अगर आपको टाइम मिले, ट्रेन रुके थोड़ा, तो खाने वाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, फास्ट फूड वगैरह, अच्छी सस्ती टिकाऊ बढ़िया। अगला जो स्टेशन है जखनिया, वहाँ की कुल जनसंख्या 5,000 है और गाजीपुर में ही पड़ता है। सादात भी गाजीपुर में ही है। दोनों अच्छे स्टेशन है, छोटे छोटे स्टेशन है पर अच्छे हैं। यह वही गाजीपुर का क्षेत्र है जहाँ अपने परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हामिद आते हैं यहाँ से, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी आते हैं, जो रामायण काल में भी, जो परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि ऋषि, वो भी गाजीपुर में रहते थे। अंग्रेजों के समय में इस जगह का जो है उपयोग बहुत ज़्यादा अफीम और गुलाब की खेती के लिए किया जाता था। अगला जो एक छोटा सा हाल्ट आता है, या स्टेशन कह लीजिए, पिपरी डीह करके है, वो मऊ में पड़ता है। और मऊ का नाम तो आप सबने सुन ही रखा होगा। जो मऊ से फेमस जगह हैं वो घोसी, मधुबन, मऊ, मोहम्मदाबाद, ये सब चीज़ें हैं। आजमगढ़ से सटा हुआ इलाका है, उसमें ही आता है पिपरी डीह। यहाँ से बहुत फेमस लोग भी हैं, मुख्तार अंसारी हो गए, कल्पनाथ राय जी हो गए, पूर्व सांसद थे जो मऊ से। कहा तो ये भी जाता है कि महाराज दशरथ के समय में, रामायण काल में, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि हुआ करती थी। मऊ जो है सेंटर हुआ करता था पूरा ऋषि मुनि लोगों का। और जो 1500 साल पुराने, जो साइंटिफिकली अगर बात करें तो 1500 साल पुराने जो अभिलेख वगैरह मिलते हैं, उनमें ये अभी तक हम लोगों के पास प्रूफ है कि तमसा नदी का तट था और पूरा इलाका जो है ये मऊ का पूरा जंगल ही जंगल हुआ करता था। और यहाँ जो आदिवासी रहते थे उनको नट कहते थे, तो नट आदिवासियों का यहाँ राज हुआ करता था। लेकिन फिर 1028 ईस्वी में क्या हुआ कि एक मलिक ताहिर बाबा हुए, तो उन्होंने अपनी टुकड़ी लेके आए और नट जो पहले से यहाँ रहते थे, तो उनके साथ वो युद्ध हुआ। उस युद्ध में नट मारे गए और नटों का जो है भंजन हो गया, मतलब खात्मा हो गया। इसीलिए दोस्तों मऊ को मऊ नाथ भंजन, मतलब मऊ नट भंजन कहा जाता था। धीरे धीरे वो परिवर्तित हो गया और मऊ नाथ भंजन कहा जाने लगा। और जो आसपास के इलाके थे वो मलिक ताहिर के फौज में जो लोग थे, जो सिपाही थे बड़े बड़े पदों पे, उन्होंने अपने नाम पे बसा लिया वहाँ जगह, जैसे हुसैनपुरा, बुलाकीपुरा, मिर्जा हादीपुरा, कासिमपुरा, मोहसिनपुरा, पठान टोला, ये सब मोहल्ले आज भी आसपास मऊ के, आप अगर लोकल होंगे तो जानते होंगे, यहाँ पे बसे हुए हैं। मऊ से शेरशाह सूरी का भी नाता रहा है, वो यहाँ भी आया था 1540-45 के आसपास में, एक पुल भी बनवाया था, लेकिन वो बहुत बड़ा पुल था, भारी पुल था, लेकिन 1556 के बाढ़ में वो पुल जो है ढह गया और नष्ट हो गया। उसके बाद 1629 के बाद मुग़ल बादशाह जो थे शाहजहाँ, उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया मऊ का इलाका जो है जहाँ आरा को, तो जहाँ आरा के लिए पूरा यहाँ छावनी वावनी बनाया गया, अभी भी कुछ अवशेष पड़े होंगे, मस्जिद बनवाई गई और बहुत सारे साजो सामान रखे गए मऊ में। अब जाहिर सी बात है, मुग़ल परिवार की रानी एक आके रह रही हैं, तो उनके साथ मजदूर, लेबर, ये सब भी आके रहेंगे ही, तो वो सब भी आए। और गोरखपुर से खास करके हथकरघा वाले आए, तो आज भी यहाँ हथकरघा वगैरह का काम चलता रहता है। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं भाई। मऊ में ही एक स्थान है, ये जो छोटा सा रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, इंदारा जंक्शन, यहाँ भी गाड़ियाँ कुछ रुकती हैं क्रॉसिंग के लिए, यहाँ से बट जाती हैं गोरखपुर और एक बलिया के लिए। मऊ में पांडव भी आए थे अपने वनवास के टाइम, और वो जगह खुरहट के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा और शहर है दोहरी घाट मऊ में ही, जहाँ राम और परशुराम जी का मिलन हुआ था। और दोहरी घाट से 10 किलोमीटर दूर आप पूरब की साइड में चलेंगे, तो वहीं राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारा था, जहाँ श्रवण कुमार की मौत हो गई थी। गांधी जी भी आए थे 1939 में दोहरी घाट में दर्शन करने, घूमने के लिए।
इसलिए आप हल्के में मत लीजिए, मऊ, बलिया, गाजीपुर ये सब वीरों की धरती और मशहूर फेमस जगह रह चुकी। इंदारा हरा भरा इलाका है, यहाँ पेड़ पौधे हरियाली आपको देखने को बहुत सारी मिल जाएगी। और इसके बाद जो एक स्टेशन आता है छोटा सा किरहिरापुर, यहाँ पकौड़ी की डिमांड बहुत रहती है भाई। और क्रीड़ापुर इतना खाली जगह है और इतनी कम भीड़ रहती है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो काउंटर एकदम फ्री रहता है, आप जब चाहें उतर के जाके ले सकते हैं अगर 2 मिनट आपकी ट्रेन रुकने वाली हो तो। पर रिस्क तो है, पर रिस्क है तो इश्क है। अब हम पहुंचने वाले हैं बलिया के एक सबसे प्रिय नगर जिसका नाम है बिल्थरा रोड, और बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ। ये बलिया से 60 किलोमीटर दूर है लेकिन बलिया में ही आता है और देवरिया और मऊ के बॉर्डर पे है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से यहाँ की जनसंख्या 20,400 समथिंग है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। बिल्थरा रोड में सोनाडीह में बलिया ज़िले का सबसे बड़ा जो है पोखरा और मंदिर है जो बहुत ज़्यादा दूर में फैला हुआ है। यहाँ चैत के महीना में जो है मेला भी लगता है जो बहुत मशहूर है, और बंदरों की संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, इनको लोग खाना खिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके भी आते हैं। बिल्थरा रोड से मात्र 8 किलोमीटर दूर है ये। इस स्टेशन पे कुल 3 प्लेटफॉर्म हैं जो एक फ्रंट में है, जो मेन गेट है वहाँ पे उसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये वाला, जो दूसरी साइड है उसको प्लेटफॉर्म नंबर 2, और जो बीच वाला ट्रैक है प्लेटफॉर्म नंबर 3। 1 और 2 पे ही गाड़ियाँ आती हैं, 3rd पे तो मालगाड़ी वगैरह क्रॉस करती हैं। और यहाँ बैठने की भी सुविधाएं हैं, अच्छी हैं। खाने पीने के लिए आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ बस खाने पीने के नाम पे तो चाय पानी ये सब मिल सकता है आपको। कुल मिला के यहाँ इनकम के मामले में यहाँ बिल्थरा रोड से लेके बनारस तक के लिए बिल्थरा रोड बहुत ही अच्छी है, और हमेशा भीड़ भी रहती है, इनकम भी रेलवे को काफ़ी अच्छा करके देती है, तो इस हिसाब से बिल्थरा रोड बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन भी है। परंतु यहाँ सुविधाओं की कमी भी है थोड़ा, चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चढ़ने उतरने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। एक ही ट्रेन है जो दिल्ली से बिल्थरा रोड होते हुए सीतामढ़ी को जाती है, वो है लिच्छवी एक्सप्रेस, तो बिहार जाने वाली ट्रेनों का तो वैसे भी हाल बुरा ही रहता है, और ख़ास करके अगर छठ वगैरह में आना हो तो आपके सीने पे कौन लात रख के चला जाए पता ही नहीं चलेगा। टिकट काउंटर यहाँ है पर अक्सर टिकट के लिए इतनी भीड़ होती है पूछिए नहीं, ऐसा लगता है जैसे मुफ्त में लंगर लगा हुआ हो और लोग गिलास लेके खड़े रहते हैं जैसे। कुल मिला के बहुत ही प्यारी जगह है कि बिल्थरा रोड उस बलिया का हिस्सा है जिस बलिया को बागी बलिया कहा जाता है, उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहले ही आज़ाद हो गया, पूरे भारत में सबसे पहले आज़ाद होने वाली जगह है ये। और सदियों पुराना, जब भारत के महान संत जैसे होते जो जमदग्नि हो गए, वाल्मीकि हो गए, भृगु ऋषि हो गए, दुर्वासा ऋषि हो गए, सबका आश्रम बलिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये बलिया जो है बहुत पहले तो कोसल साम्राज्य का जो है हिस्सा था, फिर बाद में जो है बौद्ध धर्म के भी प्रभाव में आया, फिर ये पहले गाजीपुर का हिस्सा था लेकिन बाद में यह जिला हो गया, और बागी बलिया जो है राजा बलि की धरती मानी जाती है। इतना गौरवशाली इतिहास रहा है बलिया का कि पूछिए ही नहीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जो है चित्तू पांडे ने बलिया का नेतृत्व किया। तो अब हम इस पावन धरती बिल्थरा रोड बलिया में पहुंच चुके हैं और बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। दिल से प्यार, जय भारत, जय हिंद। भैंसिया का हाल बहुत ठीक भैया, कई किलो दूध दे रहा भैया? 10 किलो घंटा।